हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज़ एनालिसिस। 26 फरवरी है आज, इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चैगोज आइलैंड कहाँ पर है, कौन से ओशन में सिचुएटेड है, आपको ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, नेशनल वॉर मेमोरियल अभी न्यूज़ में है और इसको कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, कौन सी जगह पर, तो ये भी आपको बताना है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूज़ है, एक रिपोर्ट से संबंधित पेरोल डाटा पेश किया गया है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, ESIC। इनके अकॉर्डिंगली जो जॉब का डाटा है वो 2 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ जॉब तक क्रिएट हो चुका है विद इन 16 मंथ्स ओनली, 2018 दिसंबर तक, ये बता रहा है पेरोल डाटा ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसी डाटा जो है वो रिलीज किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, CSO। CSO और भी कई डाटा को रिलीज करती है और ये जो एम्प्लॉयमेंट डाटा है ये भी CSO ही निकालती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट्स रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन द पीपल जॉइनिंग वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तो जो अलग अलग सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जिसमें लोगों ने ज्वाइन किया है, जैसे कि EPFO के द्वारा निकाले गए कई सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और PFRDA। और इस डाटा के अकॉर्डिंग ESI जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है उसमें ऐसे लोगों को भी जोड़ा गया है जो 21,000 तक की मंथली वेजेस को लेते हैं या उससे कम भी लेते हैं, उसको भी इसमें ज्वाइन किया गया है। एंड इट इंडिकेट्स दैट अराउंड 72.32 लाख न्यू सब्सक्राइबर्स वर एडेड टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तो जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में लोग जुड़े हैं उनकी संख्या 72 लाख के आसपास है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2017-18 का अगर डाटा देखा जाए तो 1.96 करोड़ नए सब्सक्राइबर्स हैं जो इस स्कीम में जुड़े हैं। साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम की भी बात की गई है कि इस स्कीम में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जोड़ा गया है और साथ ही अगर कोई वॉलंटरली इसमें जुड़ना चाहता हो तो वो जुड़ सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा पेश किया गया है ESIC के माध्यम से, याद रखिएगा, इसको अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। अगला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल वॉर मेमोरियल अभी इनॉग्रेट किया गया इंडिया गेट पर, आप देख सकते हैं दिस इज द नेशनल वॉर मेमोरियल, और इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स जानते हैं बिकॉज एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। सबसे पहला फैक्ट ये है कि ये इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है, 40 एकड़ तक की जमीन पर ये बना हुआ है और इसकी बातचीत 1975 से ही चल रही थी, बट अभी जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आई तब उन्होंने प्रपोजल को स्वीकृति दी और उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ और बहुत ही मैसिव कंस्ट्रक्शन के साथ द बेस्ट वॉर मेमोरियल बनकर के तैयार हो गया है। इस मेमोरियल की खास बात ये है कि जो हमारे शहीद जवान उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये वॉर मेमोरियल ओपन किया गया है और इसकी बहुत सारी खास बात है, जैसे कि यहाँ पर 16 वॉल्स हैं यहाँ पर जो ग्रेनाइट से बने हुए हैं और उसमें सोल्जर्स के नाम, रैंक, रेजिमेंट्स, इन सभी को अंकित किया गया है। एंड द लेआउट ऑफ द मेमोरियल लोकेटेड बिहाइंड द इंडिया गेट कैनोपी अक्रॉस द नेशनल स्टेडियम, इसमें 4 चक्र की बात की गई है, अमर चक्र जो सर्कल ऑफ इमोर्टैलिटी को बताता है और वीरता चक्र जो सर्कल ऑफ ब्रेवरी को बताता है, त्याग चक्र विच इज सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस एंड रक्षक चक्र जो सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन को बताता है, तो ये 4 चक्र वहाँ पर एस्टैब्लिश्ड हैं। एंड सेंट्रल ओबेलिस्क जो स्तंभ है वहाँ पर, उस स्तंभ में अशोक कैपिटल है, अशोक स्तंभ को भी चिन्हित किया गया है जो कि इसकी खास बात में से एक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, सुप्रीम सेक्रीफाइस हैव बीन इंस्क्राइब्ड इन गोल्डन लेटर्स ऑन ग्रेनाइट टैबलेट्स, आप देख सकते हैं इमेज में यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये ग्रेनाइट टैबलेट्स में गोल्डन लेटर्स में नाम अंकित हैं और इसका जो फॉर्मेशन है वो चक्रव्यूह के फॉर्मेशन का है। इसके अलावा जो आउटर मोस्ट सर्कल है, याद रखिएगा, रक्षक चक्र जिसके भी हम बात कर रहे थे, जो सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन की बात करता है, उसको कैसे दर्शाया गया है, तो 600 डेंस ट्रीज को लगा करके उसको दर्शाया गया है और ये बहुत ही खास बात है इस पूरे मेमोरियल की, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको यहाँ पर जाना चाहिए एटलीस्ट फॉर वंस टू सी द बेस्ट मेमोरियल एवर इन इंडिया। अगला न्यूज है, रेल दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पोर्टल लॉन्च किया है अभी रेलवे मिनिस्ट्री ने और इस रेल दृष्टि को डेवलप किया गया है CSIR के माध्यम से, याद रखिए। इसमें आपको तमाम जानकारी जो रेलवे से जुड़ी हुई है वो मिल सकती है, जैसे कि PNR इंक्वायरी, कंप्लेंट इंक्वायरी,
टेंडर इंक्वायरी इवन, एंड सबसे खास बात इसकी कि कुछ किचन जो रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत हैं उसको भी एक्सेस किया जा सकता है, और साथ ही एक्सेस टू सुगम, सुगम एक फ्रेट ऐप है, इसका भी एक्सेस होगा इसी रेल दृष्टि के माध्यम से। कुछ और खास बात जैसे कि आप इसमें लाइव फीड्स ऑफ सेवरल रेलवे किचन्स को देख सकते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से खाना बन रहा है, स्वच्छता है या नहीं उस किचन में, तो ये भी आपके पास एक्सेस होगा इस पोर्टल के माध्यम से। एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ मेनी मेल्स और एक्सप्रेस ट्रेन एंड सब अर्बन ट्रेन आर रनिंग, तो कितनी ट्रेन रनिंग है अभी मोमेंट में है, और इससे आपको ईजिली एक्सेस हो पाएगा कि अगर जिसको भी मूव करना है ट्रेन से वो ईजिली पता कर पाएंगे कि कौन सी ट्रेन अभी अवेलेबल होगी। इसके अलावा इट इज ऑल्सो फाउंड इन अ रेल दृष्टि डैशबोर्ड इंक्लूडिंग रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल लाइन्स, सिग्नलिंग, क्लीनलीनेस, इन सभी को ट्रैक किया जा सकता है, और स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन भी इस पे अवेलेबल होगी। और इतना ही नहीं बल्कि एक्सपेंडिचर और वर्क एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ कितना है, ये सब आप इस एप्लीकेशन से पता कर पाएंगे। तो इसकी खास बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने इतना बड़ा कदम उठाया है। जोन वाइज डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, कितने बिल्स पेंडिंग हैं और इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिल्स ऑफ इंडियन रेलवे, ये सब आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कदम है ये इस लाइन में। आप देखिए, दिस इज द रेल दृष्टि पोर्टल, इसमें सारे सेक्शंस बने हुए हैं, एट ए ग्लांस सर्विस, सुगम ये फ्रेट ऐप होगा, IRCTC किचन, ट्रेन कितने रनिंग है, इसके क्या अचीवमेंट्स हैं और इसके क्या हेरिटेज हैं। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और हेरिटेज वगैरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, याद रखिएगा। एक इन्फॉर्मेशन है स्टेप अप आईएएस इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग, हिंदी मीडियम का आज से नया बैच लॉन्च हो रहा है 2 PM एनवायरमेंट के सब्जेक्ट से। डिटेल्स इस नंबर पर पता करें, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं आगे ज्वाइन करना चाहते हैं किसी बैच में, तो 12th मार्च को नया बैच लॉन्च किया गया है इकोनॉमी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं आगे की डिटेल्स के लिए। और अगला न्यूज़ है चैगोज आइलैंड, बहुत बड़ा फैसला आया है ICJ के द्वारा, इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि चैगोज आइलैंड को इंग्लैंड को लौटाना होगा मॉरिशस को, ये केस काफ़ी दिनों से चल रहा था। सबसे खास बात कि इंडिया ने इसमें मॉरिशस की तरफ से वोट भी किया था, और ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री बताई जा रही है चैगोज आइलैंड के द्वारा। मॉरिशस को ये कहा गया है कि वो जल्द से जल्द इसको एक्वायर करें और यहाँ पर पूरा अपना एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट करें। ये चैगोज आइलैंड की बात है, इसके बारे में ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हमें जानना होगा बिकॉज क्वेश्चन बन सकता है। आप देखिए इमेज में, इंडियन ओशन में ये एस्टैब्लिश है चैगोज आर्किपेलागो, और यहाँ पे तीन आइलैंड यहाँ पे और है जो एक ट्रेंगल को शो कर रहे हैं, ईगल आइलैंड, डेंजर आइलैंड और एगमोंट आइलैंड, तो ये बेसिक फैक्ट्स है, याद रखिए। इसके अलावा डियागो गार्सिया जो भी न्यूज़ में है, इसको डेवलप किया था UK ने और इस वजह से ये न्यूज़ में है, तो डियागो गार्सिया ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंडियन ओशन में ही है, और ये बेसिक फैक्ट्स है चैगोज आइलैंड के बारे में। इसके अलावा जो डियागो गार्सिया है ये लार्जेस्ट अटॉल है यहाँ का, ये भी याद रखिए, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, और इस पर ही पूरी बातचीत हो रही है। अभी फैसला आया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसको छोड़ना होगा और ये मॉरिशस के अंतर्गत अब आएगा। मॉरिशस की लोकेशन देखिए यहाँ पर है, और मॉरिशस के पास ही रीयूनियन आइलैंड भी है, तो इंडिया ने सपोर्ट किया मॉरिशस को, तो इसका एक आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लुक वेस्ट पॉलिसी है या फिर लुक अफ्रीका पॉलिसी है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया लगातार कहीं ना कहीं कदम उठाते रहते हैं, तो ये बेसिक फैक्ट्स है। नेक्स्ट न्यूज़ है गीता आराधना महोत्सव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे परफॉर्मेंस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था इस महोत्सव को, जिसको कि इस्कॉन में परफॉर्म किया गया था न्यू दिल्ली में, और इसकी खास बात ये है कि ये जो भगवत गीता है यहाँ पर, इसको 2.8 meters और 800 किलोग्राम का बनाया गया, इसकी मेजरमेंट है अभी तक का लार्जेस्ट होली बुक आप इसको कह सकते हैं वर्ल्ड का। इसमें इटली स्कॉन जो है उन्होंने फंड भी किया था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बन सकता है गीता आराधना महोत्सव क्या है, तो स्कॉन टेम्पल के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें मोदी जी ने इसको अटेंड भी किया था, ये न्यू दिल्ली में भी ऑर्गेनाइज हुआ था। और अब हमें क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, चैगोज आइलैंड इंडियन ओशन में है, आंसर इज बी,
एंड दूसरा क्वेश्चन था नेशनल वॉर मेमोरियल को लेकर के, इसको दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है इंडिया गेट के पास। अभी हमने इसके बारे में कई सारे फैक्ट्स देखे, तो क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से फॉर्म होंगे। अभी हमने बस बेसिक क्वेश्चन को देखा। मिशन ओपन है, वेदर पर्सनल गाइडेंस की आप बात करें या फिर फाउंडेशन कोर्स की बात करें, अप्रोच कर सकते हैं। जिनको लगता है उनको मेंटरशिप की जरूरत है, आगे मार्गदर्शन की आवश्यकता है और वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, बिना ये सोचे कि क्या हमें इस वक्त ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए, वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं इस बारे में कि वॉट शुड दे डू अबाउट देयर। वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।